तो भाइयों आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी गाइस, तो अगर आप अपना YouTube चैनल अभी स्टार्ट करने वाले हो या आपने स्टार्ट कर दिया है तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यही एक छोटी बेसिक चीज़ की वजह से आपका क्लिक थ्रू जो इम्प्रेशन होता है YouTube पे वीडियोज़ का वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर वो इम्प्रेशन डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपकी वीडियो को YouTube रिकमेंड नहीं करता है लोगों को, और रिकमेंडेशन नहीं होगा तो लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी नहीं, और अगर आपकी वीडियो पहुंचेगी नहीं तो आप समझ जाइए फिर आपके में व्यूज़ नहीं आएंगे, वॉच टाइम नहीं आएंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे लेकिन कोई भी आपकी वीडियो देखने वाला नहीं होगा। तो जो गलती मैंने भी ये गलती की अपनी कुछ वीडियोज़ पे, जो मैंने स्टार्टिंग की 5-6 वीडियोज़ डाली है, मैंने क्या किया था कि मैंने जो थंबनेल्स लगाए थे अपनी वीडियो पे स्टार्टिंग में, उनमें क्या हुआ था कि वो थंबनेल्स इतना एकदम नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल से थे कि कोई भी मतलब बंदा उन पे आके क्लिक, अगर आपका थंबनेल मस्त होगा तो कोई भी बंदा आएगा आपकी वीडियो को क्लिक जरूर करेगा, एक बार देखेगा कि क्या हुआ था ऐसा, अगर कुछ अमेजिंग या कुछ सरप्राइजिंग आपने डाल दिया कि ऐसा मेरे साथ हो गया, तो कोई भी आके आपकी वीडियो को क्लिक करेगा, देखेगा भाई इसके साथ ऐसा क्या हुआ। चाहे फिर अंदर में कंटेंट, लोग जो कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहे उनके वीडियो तो वैसे ही नहीं चलने वाले, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपका थंबनेल भी उसी हिसाब से आपने बनाया तो फिर वो बंदा क्या करेगा, धीरे धीरे करके आपकी सारी वीडियो को चेक करेगा। जैसे मैंने भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी उनकी वीडियो को देखा, एक वीडियो मैंने देखा थंबनेल की वजह से मैंने स्टार्ट किया उनका वीडियो देखना, और आज मैं उनकी पुरानी जितनी भी वीडियोस थी मैं उनको फॉलो करते हुआ है। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एक थंबनेल कैसे बनाओ। भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वीडियोस में जो मैंने समझाया है कि मैंने एक सिंपल ऐप से एडिटिंग की थी, मैं उसी ऐप से अपना लास्ट का भी पोर्शन बनाऊंगा जो थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला होता है, तो उसी सेम ऐप से मैं थंबनेल भी क्रिएट करूंगा। तो गाइस थंबनेल जिसमें जो आपकी इंप्रेशन को बढ़ाएगा, और इंप्रेशन बढ़ेगी तो YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा और आगे आपके व्यूज और वॉच अवर्स कुछ लिमिटेड टाइम में ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो गाइस आपको अपने मोबाइल में ये इनशॉट ऐप को खोलना है, खोलने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो चूज़ कर लेनी है जिस फ़ोटो पे आपको थंबनेल बनाना है। जैसे मैंने फ़ोटो से पहले से ही क्लिक करके रखी है, ऐसे फ़ोटो खोल लेनी है, कोई भी फ़ोटो ऐसी क्लिक कर लेना है जो ऐसे डायरेक्शन शो करे, तो ऐसे फ़ोटो चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए मैंने थंबनेल्स ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने क्या किया गाइस, इसको थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा के इसको यहाँ पे रख लिया, साइज़ बढ़ा के इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद मुझे क्या है, अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है स्टिकर्स या कोई फ़ोटो, तो चलो मैंने यह बाहर से फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको फ़ोटो को मैंने यहाँ रख लिया, थोड़ा साइज़ इसका छोटा कर लिया, साइज़ छोटा करने के बाद इसको ऐसे प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद गाइस अगर आपको इसका बीच का अगर डिस्टेंस से बढ़ कम ज़्यादा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो आसानी से। तो ये मैंने प्लेस कर लिया, यूट्यूब यहाँ प्लेस कर लिया, उसके नीचे से ये थंबनेल लिखा हुआ प्लेस कर लिया। और अगर मुझे टेक्स्ट करना है तो जैसे अगर मुझे इंग्लिश नहीं हिंदी में लिखना है जैसे आसानी से, तो मैंने क्या किया आसानी को क्या किया, ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आसानी से बनाए, मैंने आसानी से बनाए कर दिया। इस सब का अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो जैसे मैं यहाँ गया, मैंने नॉर्मल फ़ॉन्ट जो था वो मैंने चेंज कर दिया। अब इनके बीच का साइज़ भी कम करना है क्योंकि मैंने उसका साइज़ वहाँ पे बढ़ा दिया था, ये साइज़ मैंने नॉर्मल कर दिया जो है। नॉर्मल करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देना है, प्लेस करके ये हो गया। अब इसका कलर चेंज कर लीजिए आप, जैसे इसका कलर मैंने रख लिया, इसका मैंने येलोइश कलर कर लिया, मैंने येलोइश कलर करके ये कर लिया। इसके स्टिकर को थोड़ा, ये थंबनेल यूट्यूब के स्टिकर को थोड़ा बड़ा कर देना है, बड़ा करने के बाद जिससे वो थोड़ा अच्छे से दिखता रहे। ये हो गया, ऐसे आपको रख देना है गाइस। रखने के बाद आपको इनका पोजीशनिंग कर देना है। पोजीशनिंग करने के बाद अब फिर से अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो मैंने फिर से टेक्स्ट कर दिया मोबाइल से, और मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैंने इसका कलर वाइट कर दिया और इसको थोड़ा छोटा करके
इसको छोटा करके गाइस यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा और छोटा करने से अच्छा लगेगा। ये मैंने और छोटा करके इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, आप देख सकते हो गाइस। प्लेस करने के बाद फिर मैं किस, अगर मुझे और भी स्टिकर, जैसे मैंने इन शॉट ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये इन शॉट ऐप मैंने यहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद इसका साइज़ को छोटा किया और इसके साइज़ को छोटा किया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ इसको ऊपर में प्लेस कर दिया। अब इसके बाद अगर आपको कुछ थंबनेल्स जो पहले आपने बनाए अगर उनको इम्पोर्ट करना है, तो आप ये स्टिकर में जाइए, स्टिकर में यहाँ पे एक कैमरा रोल जो है वहाँ पे यूज़ वो चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको ये एक एक करके सारे थंबनेल यहाँ पे जगह बची हुई है अगर पोजिशनिंग कर दीजिए, जैसे मैंने ये यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मुझे दूसरा अगर कोई थंबनेल जो मेरा पुनाया बनाया हो वो मुझे अगर इम्पोर्ट करना है, तो ये मैंने वहाँ से इम्पोर्ट कर करके मैंने ये सारे थंबनेल ऐसे प्लेस कर दिए। अब एक थंबनेल और बचा हुआ था गाइस, वो भी मैं प्लेस कर देता हूँ पोजिशनिंग करके, ये हो गया। अब एक और था, मैंने ऐसे क्या किया, मैंने तीन ले लिया था, तीन जो हमारे मेरे थंबनेल्स थे, तो मैंने तीन थंबनेल्स को उठा के एक में ही डाल लिया था। जो भी आपके थंबनेल्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं पोजिशनिंग पे। देख सकते हैं गाइस मैंने कैसे पोजिशनिंग कर रहा हूँ। मैं पोजिशनिंग करने के बाद प्लेस कर देना इनको इनकी जगह पे, तो गाइस ये हो गया प्लेस। अब ये देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, देखिए कैसा लग रहा है देखने में आपको गाइस। फिर मैं आप इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद ये गैलरी में चला गया गाइस। अभी एक ऐड तो दिखाएगा, जब इतना ज़्यादा फ्री फीचर्स देता है तो एक ऐड तो दिखाता ही है गाइस, इतना तो बनता है। ये मैंने खोला, ये मैंने इंपोर्ट किया, तो HD में देखिए पूरा इंपोर्ट हो गया। इन शॉर्ट है आसानी से मोबाइल से आसानी से थंबनेल बनाए। देखिए आपको कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, ऐसे थंबनेल आप बना सकते आसानी से। तो होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस इन शॉर्ट ऐप से ही मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं उसी से ही थंबनेल भी बनाता हूँ। तो भाइयों आपको मैंने दिखाया कैसे मैंने थंबनेल क्रिएट किया एक सिंगल ऐप इन शॉर्ट से, बहुत आसानी से मैं उसी से एडिटिंग भी कर लेता हूँ, थंबनेल भी बना लेता हूँ। तो बस आपको होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी भाइयों मेरी ये वीडियो। तो अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन का, मैं और भी कैसे अपना ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया, बाकी मेरी और भी जर्नी, मैं यहाँ पे ब्लॉग्स बनाता हूँ सिक्किम में, तो होप करता हूँ वो भी आपको अच्छे लगेंगे। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बस मोटिवेटेड रहूँगा ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट जो अभी तक आपने दिखाया है, होप करता हूँ कि आपको आगे की वीडियोज़ भी अच्छी लगेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। From hitting the ground and every goal.